हेलो दोस्तों, सभी व्यूवर्स का हमारे यूट्यूब चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है गजेंद्र। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी जो हमारे व्यूवर्स हैं, कंबाइंड टेक्निकल का जो एग्ज़ाम है 23/2016, जो मार्च में UP SSSC का जो कैलेंडर आता है, ठीक है, फर्जी कैलेंडर बताऊंगा मैं उसको, जो फर्जी कैलेंडर आता है उसके द्वारा जो बताया गया था कि जो एग्ज़ाम कैलेंडर एग्ज़ाम है आपका वो मार्च में संभावित है। तो दोस्तों, ऐसा लगता है इस आयोग की वजह से, मतलब कि यू ये एग्ज़ाम अब संभावित मार्च में भी संभावित नहीं है, ऐसा थोड़ा लग रहा है। ये बताते हुए थोड़ा बड़ा दुख हो रहा है, और बड़ा दुख होता है दोस्तों कि इतनी तैयारी करने के बाद भी सभी दोस्त एग्ज़ाम के लिए तरस जाते हैं। और पहली बात तो लोग धरना, मतलब जो स्टूडेंट हैं हमारे दोस्त, वो सभी धरना दे देकर तो पहले किसी भी प्रकार से इस पर एग्ज़ाम को कराते हैं, और फिर जब एग्ज़ाम अगर किसी वजह से एग्ज़ाम संपन्न हो भी जाता है सही तरीके से, तो फिर दोस्तों उसका रिजल्ट लेने के लिए UP SSSC आयोग पर, जो पिकअप भवन लखनऊ पर है, वहाँ पर लाठियाँ खानी पड़ती हैं, पुलिस के धरने देने पड़ते हैं दोस्तों। तो बड़े दुख की बात है। और आप सभी जानते हैं कि आप किसी भी स्टेट की बात कर लीजिए, चाहे चुनाव कहीं चुनाव हो या नहीं हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, है ना, वहाँ के सारे बोर्ड अपनी परीक्षाएं, जो उनके जब सिलेक्शन बोर्ड हैं, वो उनकी परीक्षाएं सुचारू रूप से जिस जब समय होता है, मतलब टाइम टू टाइम हो रहा है। लेकिन ये एक उत्तर प्रदेश की ही बात ऐसी है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों की हाल ऐसी है दोस्तों। पहली बात तो अब आयोग को ये सोचना चाहिए कि बताओ 2016 का पेपर है, 2016 का पेपर है, ठीक है, 2016 का पेपर 2020 चल रहा है, और 2020 का भी फरवरी भी ख़त्म हो गया है ना। तो ये एग्ज़ाम आयोग की ये जिम्मेदारी थी दोस्तों कि इस एग्ज़ाम को प्रायोरिटी देनी चाहिए थी, एग्ज़ाम को पहले कराना चाहिए था। अब मैं ये आज दोस्तों मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को दोस्तों वीडियो को लाइक करना या मत करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना या मत करना। लेकिन बात अब दोस्तों बात आ गई है उत्तर प्रदेश के युवाओं की, बात आ गई है सारे जो विद्यार्थी बेचारे मेहनत करके तैयारी करके परीक्षा देते हैं, बात आ गई अब उनकी, ठीक है। अब कुछ मेरे साथियों के बहुत डेली कमेंट आते हैं दोस्तों के इसकी तैयारी से रिलेटेड कुछ बताएं। अब दोस्तों तैयारी भी तो तभी कराई जाती है जब एग्ज़ाम का कहीं आता हो, पता हो, ठीक है। अब इसने UP SSSC ने जो फोटो करेक्शन लिस्ट दी, तो लड़कों को सभी विद्यार्थियों को लगा के चलो यार ये एग्ज़ाम हो जाएगा, यूपी में बहुत दिनों से कोई एग्ज़ाम भी नहीं हो रहा, चलो इसकी तैयारी कर लेते हैं। अब तैयारी करें भी तो अब एग्ज़ाम का कन्फर्म नहीं हो पा रहा है कि एग्ज़ाम मार्च में होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। डेली दोस्तों मेरे पास इसी प्रकार के कमेंट आते हैं कि सर बता दीजिए प्लीज़ करके कि ये होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों मैं भी कहाँ तक मतलब इस पे UP SSSC पे विश्वास किया जा सके, मतलब जब ऑफिस तक जहाँ जब हम आप ऑफिस में बात करते हैं, ठीक है, वो तक बताते हैं कि हाँ आज नोटिस निकाला जाएगा, कल नोटिस निकाला जाएगा। दोस्तों मैं और यूट्यूब चैनल की तरह नहीं हूँ कि हाँ फर्जी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर चला दिया कि वीडियो के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ गई है, 2 मार्च से है, 3 मार्च से है। फर्जी दोस्तों हम बिल्कुल नहीं चलाते, चाहे आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना या मत करना, ठीक है। हाँ तो डेली कमेंट आते हैं कि सर आप तो जनवरी में बता रहे थे, आपने इसका मास्टर प्लान पे एक वीडियो भी बनाई थी, और दोस्तों काफ़ी अच्छा सहयोग भी रहा, आपने बड़े अच्छे से उस वीडियो को देखा भी, और उम्मीद करता हूँ आपने तैयारी भी की। लेकिन दोस्तों इन सब बातों का कोई औचित्य नहीं है जब तक एग्ज़ाम डेट ना हो। अब मैंने आपसे फिर एक दिन एक वीडियो बनाई थी इसके रिगार्डिंग के इसका एग्ज़ाम जो मार्च में होगा, है ना। तो दोस्तों अब मार्च में भी एग्ज़ाम हो मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि अब बोर्ड की तरफ से क्या बताया जा रहा है, बोर्ड ये कह रहा है कि मार्च में तो बोर्ड की परीक्षाएँ होती हैं, जो यूपी बोर्ड है उसकी परीक्षाएँ होती हैं, और जो ग्रेजुएशन वाला बोर्ड है तो उसके लिए स्कूल नहीं है। और कुछ एक मेरे दोस्त हैं वो बता रहे थे कि इसके जो एग्ज़ाम हैं 29 29
29 मार्च को मतलब इसका एग्ज़ाम है। तो दोस्तों अभी कोई कंफर्म डेट नहीं है, ठीक है, मैं आज आपसे स्पष्ट बताना चाहता हूँ, अभी कोई कंफर्म डेट नहीं है। UP SSC आयोग को आप सभी जानते हैं, ये अगर एग्ज़ाम करा दे तो 4 दिन के अंदर करा दे, 10 दिन के अंदर करा दे, 15 दिन के अंदर करा दे, और एग्ज़ाम ना कराए तो इसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है दोस्तों। बस मैं तो आपसे केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि जो लोग मुझे कमेंट करके बार बार ये दोस्तों ये पूछ रहे थे कि सर एग्ज़ाम डेट बता दो, तो मेरा तो बस आपसे यही कहना है दोस्तों, इसीलिए मैंने वीडियो बनाई थी, वीडियो बनाई है ना दोस्तों, कि आप सभी अपनी तैयारी रखें, ठीक है, तैयारी आप जारी करती रहें, क्योंकि दोस्तों काफ़ी अच्छा कंपटीशन इस एग्ज़ाम इस वाले कंबाइंड टेक्निकल एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं, कई पोस्टों के लिए हमारे साथियों ने कई साथियों ने इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए भी और कॉमन पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया है ना, तो इसमें काफ़ी अच्छा फाइटिंग रहेगी। तो मेरा तो बस आपसे यही कहना है कि एग्ज़ाम डेट को आप जब भी होगा एग्ज़ाम हो जाएगा, आप अपनी पहले कंप्लीट तैयारी कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। हाँ